बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने निश्चय बुद्धि विजयंती पर बहुत अच्छा समझाया है। साथ साथ बाबा ने कहा बाबा के ऊपर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना भी बहुत ज़रूरी है। बलि तो हम चढ़ गए पर सावधानी हमें कौन सी रखनी है, सुनेंगे बाबा के शब्दों में। मीठे बच्चे, निश्चय करो हमारा जो कुछ है सो बाप का है, फिर ट्रस्टी होकर संभालो तो सब पवित्र हो जाएगा। तुम्हारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होगी। सदा स्मृति में रहे, बुद्धि में रहे कि मैं बाबा की पालना में पल रहा हूँ, बाबा के भंडारे से मेरी पालना हो रही है। क्वेश्चन, शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। आंसर है, तुम जब बलि चढ़े तो सब कुछ शिव बाबा का हो गया, फिर कदम कदम पर राय लेनी पड़े। अगर कोई कुकर्म किया तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। जो पैसा शिव बाबा का हो गया उससे कोई पाप कर्म कर नहीं सकते, क्योंकि एक एक पैसा हीरे मिसल है, इसकी बहुत संभाल करनी है, कुछ भी व्यर्थ ना जाए। बाबा तुम्हारा कुछ लेते नहीं, लेकिन जो पैसा तुम्हारे पास है वह मनुष्यों को कोड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा में लगाना है। गीत के बोल हैं, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। यह है भक्ति वालों के लिए गीत। तुम तो यह गीत नहीं गा सकते हो, क्योंकि कहते भी हैं भगवान आकर पहचान दो। प्रभु ही आकर अपनी पहचान देते हैं। प्रभु ईश्वर भगवान बात एक ही हो जाती है। प्रभु के बदले तुम कहते हो बाबा, तो बिल्कुल सहज हो जाता है। बाबा अक्षर फैमिली का है, सारी रचना है ही बाप की, तो सब बच्चे हो गए, बाप कहना पड़ा सहज है। सिर्फ प्रभु व गॉड कहने से बाप नहीं समझते, यह बाप का लव अथवा बाप की जायदाद का भी पता नहीं लगता। बाप तो स्वर्ग रचते हैं, इतनी थोड़ी सी बात को भी कोई समझते नहीं हैं। आधा कल्प धक्के खाने में लग जाते हैं, बाबा आकर सेकंड में पहचान देते हैं। बाबा के सामने बच्चे बैठे भी हैं, फिर भी चलते चलते निश्चय टूट पड़ता है। अगर पक्का निश्चय हो तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन जाएं। हम हैं ही शिव बाबा के पोतरे, बाबा के घर के हो गए। समझते हैं हम ब्राह्मण शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। ब्राह्मण हो गए तो ब्राह्मणों का ही ब्रह्मा भोजन हो गया, शिव बाबा के भंडारे का भोजन हो गया, तो हम क्या खाते हैं? ब्रह्मा भोजन शिव बाबा के भंडारे का। ये निश्चय होना चाहिए, हम हैं ही शिव बाबा के, फारकती की बात ही नहीं, हम ब्राह्मण हैं शिव बाबा के बच्चे। हमारा सब कुछ बाबा का है और बाप का सब कुछ हमारा है। व्यापारियों को हिसाब करना चाहिए, हमारा सब कुछ बाप का है और बाप का सब कुछ हमारा है। है तो तराजू किसकी भारी हुई? हमारे पास तो कखपन है और हम कहते हैं बाबा का राज्य हमारा है। बाबा तो नया देता है, 21 जन्मों के लिए देता है, सब कुछ देता है, तन भी मन भी धन भी जन भी, हेल्दी वेल्दी एवर हैप्पी रहना, सब कुछ बाबा हम बच्चों को संगम पर देता है। तो पलरा भारी बाबा का हुआ, तो फ़र्क है ना, बाबा का राज्य हमारा है तो फ़र्क है ना। तुम जानते हो हम ईश्वर से विश्व का मालिक बन जाते हैं। हमारे पास जो कुछ है वह दे देते हैं बाप को, बाप फिर कहते हैं बच्चे तुम ही ट्रस्टी होकर संभालो। समझो यह शिव बाबा का है, अपने को भी शिव बाबा का बच्चा समझ कर चलो, तो सब कुछ
पवित्र हो गया। घर में जैसे ब्रह्मा भोजन होता है, शिव बाबा का भंडारा हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही बनाते हैं। यूँ तो सब कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ है, परंतु यहाँ तो बाप सन्मुख आया है। जब हम उनके ऊपर बलिहार जाएंगे, हम एक बार बलिहार गए तो शिव बाबा का वह भंडारा हो गया, उनको ही ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। समझा जाता है, हम जो खाते हैं शिव के भंडारे का है। पवित्र तो जरूर रहना है, भोजन भी पवित्र हो जाता है, परंतु जब बलिहार जाए ना, देना भी कुछ नहीं, सिर्फ वारी जाना है। बाबा ये सब कुछ आपका है, तो बाबा क्या कहते हैं बच्चों को फिर? अच्छा बच्चे, ट्रस्टी होकर संभालो, शिव बाबा का समझकर खाएंगे तो जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। अगर शिव बाबा को भूल गए फिर वह पवित्र हो न सके। तुम बच्चों को अपना घर बार भी संभालना है, परंतु अपने को ट्रस्टी समझ घर में बैठे भी शिव बाबा के भंडारे का ही खाते हैं। जो भी बलिहार हुए हैं वो शिव बाबा का हो गया। कुछ भी समझ में ना आए तो पूछो, ऐसे नहीं शिव बाबा के खजाने से खर्च कर कोई पाप कर दो। शिव बाबा के पैसे से पुण्य करना है, एक एक पैसा हीरे मिसल है, उनसे बहुतों का कल्याण होना है, इसलिए बहुत संभाल करनी है, कुछ भी फालतू ना जाए, क्योंकि इस पैसे से मनुष्य कोड़ी से हीरे जैसा बनता है। तो बाबा कहते हैं हमारा भी तुम्हारा है, एक ही बाप है जो निष्कामी है। शिव बाबा की कोई कामना ही नहीं है, सब बच्चों की सेवा करते हैं। तो बाप कहते हैं मैं क्या करूँगा, सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम ही राज्य करेंगे। हमारा पार्टी ऐसा है जो तुम बच्चों को सुखी करता हूँ, सुख का सागर बाबा। तो बाबा का पार्ट है बच्चों को सुखी करना। श्रीमत भी मिलती रहती है, कोई कन्या शादी करना चाहती है तो कहेंगे ज्ञान में नहीं आती तो जाने दो। बच्चा अगर आज्ञाकारी नहीं है तो वर्षे का हकदार नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ नहीं, हकदार नहीं, फिर सजा भी खानी पड़ेगी। बाप की आज्ञा है अंधों की लाठी बनो, वह तो कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम जानते हो हम भी पहले बिल्कुल बंदर मिसल पति थे, बाबा ने अब हमारी सेना ली है, हमको शिक्षा देकर मंदिर लायक बना रहे हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, बाकी सबको सजाए देकर मुक्ति धाम में भेज देते हैं। तो बेहद के बाप की ये सब बातें बेहद की हैं, एक राम सीता की बात नहीं। तो बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। मनुष्य पढ़ते तो बहुत हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं, तो वह जैसे पढ़ा ना पढ़ा हो जाता है। पढ़ते पढ़ते आड़ ही कलाएं कम होते, पतित भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। कहते हैं पतित पावन आओ, फिर गंगा में खड़े होकर कहते हैं दान करो। अरे हमको तो पावन बनना है, इसमें दान की क्या बात है? गंगा के पानी में दान करते हैं, बड़े बड़े राजाएं असर भी फेंकते हैं, फिर पुजारी लोग आजीविका के लिए कुछ ना कुछ सुनाते हैं। तुम्हारी तो 21 जन्मों की आजीविका बाप बना देते हैं, बाप कितना अच्छी रीति समझा कर पावन बनाते हैं। भारत ही पावन था, अब पतित बना है। तो बाप बैठ तुम बच्चों को परिचय देते हैं कि तुम जो भी ब्राह्मण हो, सरेंडर हो, तो तुम शिव बाबा के
भंडारे का खाते हो, सिलेंडर नहीं तो भी आसुरी भंडारे से खाते हो। बाबा ऐसे थोड़ी कहते हैं, अपनी जिम्मेवारी आदि यहाँ ले आओ, संभालो तुम, परंतु ट्रस्टी होकर के संभालो। बाबा कहते हैं संभालो, मगर ट्रस्टी होकर के संभालो। निश्चय बुद्धि हो तो जैसे शिव बाबा के भंडारे का खाते हो। घर में रह रहे हैं चाहे आश्रम में रह रहे हैं, वो तो बाबा के भंडारे का खाते ही हैं। लेकिन अगर बुद्धि में ये है, शिव बाबा की पालना में पल रहे हैं, बाबा के भंडारे का खा रहे हैं, ट्रस्टी होकर चलते हैं, तो ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। नहीं तो बाबा ने कहा आसुरी भंडारे से खाते हो। जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, तुम्हारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। गाते भी हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः, यही ब्राह्मण नमः करने लायक हैं, तुम जानते हो। ब्रह्मा द्वारा बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। कल्प कल्प बाबा हमको आकर रावण राज्य से छुड़ाकर सुखी बनाते हैं, वहाँ दुख का नाम ही नहीं है। भारत में कितने ढेरों गुरु विद्वान पंडित हैं, एक एक स्त्री का पति भी गुरु है, कितने ढेर गुरु हो गए, कितनी उल्टी कारोबार चलाई हुई है। एग्रीमेंट कराते हैं कि पति ही तुम्हारा सब कुछ है, इनकी ही आज्ञा पर रहना है। पहले आज्ञा की कुमारी जो पूज्य थी वह फट से पुजारी बन जाती है, सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। फिर दूसरी आज्ञा काम कटारी चलाओ तो कितना फर्क हो गया। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे मददगार बच्चे चाहिए, वह पैरों पर क्यों पड़े, बच्चे वारिस हैं। नम्रता दिखाने के लिए पैरों पर पड़ने की दरकार नहीं है, नमस्ते कह सकते हैं। तुम कहते हो हम बाबा से वर्षा लेने के लिए आए हैं, फिर माया एकदम भुला देती है, फारकती दे देते हैं, बुद्धि को माया खत्म कर देती है। आज बाबा ने समझाया है, जिसने शिव के भंडारे से खाया पिया वह भंडारा भरपूर, तो काल कंटक सब दूर हो गया, अमर हो जाते हो। तुम बलि चढ़े तो शिव बाबा का सब कुछ हो गया, पक्का निश्चय चाहिए। कोई कुकर्म कर दिया तो बड़ा पाप चढ़ जाएगा, कदम कदम पर राय लेनी है। लंबी चढ़ाई है, कितने गिर पड़ते हैं। बाबा बाबा कहे 8-10 वर्ष रहे फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। बाबा कहते हैं कदम कदम पर, कहाँ भी पूछो मूंजो तो राय पूछो। कई बच्चे पूछते हैं, हम मिलिट्री में सर्विस करते हैं, वहाँ का भोजन खाना पड़ता है, तो बाबा कहते हैं कर भी क्या सकते हैं, बाप से मत ली तो रिस्पॉन्सिबल बाबा हैं। बहुत पूछते हैं बाबा विलायत में जाना है, पार्टी में बैठना पड़ता है, भल वेजिटेरियन मिलता है परंतु है तो विकारी का ना, तुम कोई भी बहाना कर सकते हो। अच्छा चाय पी लेते हैं, अनेक प्रकार की युक्तियां मिलती रहती हैं। इनका राइट हैंड धर्मराज भी बैठे हैं, इस समय कदम कदम श्री मत लेनी है। बड़ा ऊंचा पद है, किसको स्वप्न में भी याद नहीं होगा। हम विश्व के मालिक बन सकते हैं, बिल्कुल जानते नहीं। कितने हीरे जवाहरात के महल थे, सोमनाथ मंदिर में कितने माल थे, सब ऊंट भरकर ले गए। अब समय ऐसा आने वाला है जो किसी की दबी रही धूल में, किसी की राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, किसकी आग जलाए, सफली होगी उसकी जो नाम धनी के लगाए। कहते हैं ना, राम नाम सत्य है, सच्ची कमाई करने वालों का हाथ भरपूर रहेगा, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। बाप कहते तुम्हारी चीज़ तो तुम्हारे लिए हैं, हम तो निष्कामी हैं। ऐसा निष्कामी कोई है नहीं। इस समय सबको तमो प्रधान पतित बनना है, पूरा पतित बन फिर पूरा पावन बनना है,
तो बाप कहते हैं, मुझे संकल्प उठा है नई दुनिया रचूं, मैं अपना पार्ट बजाने आया हूँ। जो भी बड़े बड़े मुख्य हैं वो सब ऐसे ऐसे टाइम पर पार्ट बजाते हैं। अभी तुम जानते हो, नॉलेजफुल बाप तुम बच्चों को भी नॉलेजफुल बना रहे हैं। आगे थोड़ी ये नॉलेज थी। अभी तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो, धर्म स्थापक भी मुख्य है ना। ऊपर से लेकर ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा रचयिता, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। और कोई क्या जाने कि यह जगदम्बा सरस्वती ब्राह्मणी हैं। आगे भी इस ही समय इसने तपस्या की थी, राजयोग सिखाया था, अब भी वही कार्य कर रहे हैं। इस नॉलेज में रमण करना चाहिए। रहना अपने घर में है, सब यहाँ तो बैठ नहीं जाएंगे। हाँ, पिछाड़ी में फिर आकर सभी वह रहेंगे जो बाप की सर्विस में तत्पर रहेंगे। यह बहुत वंडरफुल पार्ट देखेंगे। वैकुंठ के झाड़ आते जाएंगे, बैठे बैठे साक्षात्कार करते रहेंगे। तुम पूरे फरिश्ते यहाँ ही बनते हो। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब शरीर छोड़ेंगी, आत्माएं वापस चली जाएंगी। परम धाम में सभी आत्माएं वापस चली जाएंगी, बाबा पंडा बनकर सबको ले जाएंगे। ये ज्ञान भी अभी है, सत्युग में ज्ञान का नाम ही नहीं, वहाँ है प्रलब्ध, अभी है पुरुषार्थ। तुम पुरुषार्थ करते हो 21 जन्म बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम समझा सकते हो हम ब्राह्मण हैं। मित्र संबंधी आदि को तुम बाप की याद में रह भोजन बनाकर खिलाओ तो उनका हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। पिछाड़ी में जो बचेंगे वह बहुत मजे देखेंगे। बाबा घड़ी घड़ी अपना घर आदि सब कुछ दिखाते रहेंगे। शुरू शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा है, फिर अंत में भी बहुत कुछ देखना है। जो चले जाएंगे वह कुछ भी नहीं देखेंगे। इन विकारों को पूरी रीति तजना है, तब ही हीरे जवाहरात से सजना है। तजेंगे नहीं तो इतना सजेंगे भी नहीं। अभी तुम ज्ञान रत्नों से सज रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्ची कमाई कर हाथ भरतू करके जाना है। दुनिया में कहते हैं खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, प्रभु के भजन बिना फिर पछताएगा। हम भरतू हाथ आए थे सत्युग में, और अभी सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग पाष्ट हुआ संगम पर शिव बाबा फिर से हम आत्माओं को भरतू अर्थात ज्ञान रत्नों से भरपूर कर रहे हैं, और हम भरतू हाथ जाएंगे परमधाम, फिर स्वर्ग में आएंगे। इसलिए बाबा ने कहा सच्ची कमाई कर हाथ भरतू करके जाना है। एक बाप से सच्चा सौदा करने वाला सच्चा व्यापारी बनना है। सेकंड पॉइंट, हृदय को शुद्ध बनाने के लिए बाप की याद में रहे ब्रह्मा भोजन बनाना है। योग युक्त भोजन खाना और खिलाना है। विकारों को तज ज्ञान रत्नों से सजना और सजाना, स्वयं सज करके औरों को भी सजाना है। वरदान, सब फिक्राते बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्म प्यारे भाव। जो बच्चे परमात्म प्यारे हों सदा दिल तख्त पर रहते हैं। कोई की हिम्मत नहीं जो दिला राम के दिल से उन्हें अलग कर सके। इसलिए आप दुनिया के आगे फकुर से कहते हो कि हम परमात्म प्यारे बन गए। दुनिया में कहते हैं मरने के बाद ये भगवान को प्यारा हो गया, लेकिन हम जीते जी परमात्म प्यारे बन जाते हैं। इसी फकुर में रहने के कारण सब फिक्रातों से फारिग हो। आप कभी गलती से भी नहीं कह सकते आज मेरा मन थोड़ा सा उदास है, गलती से भी नहीं कह सकते।
कि आज मेरा मन थोड़ा सा उदास है, मेरा मन नहीं लगता आदि आदि, ये बोल भी व्यर्थ बोल हैं। मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना, मेरा मन थोड़ी है, क्या कहा भक्ति में, तन मन धन सब तेरा, और यहाँ तो सब कुछ बाबा को दे ही दिया, फिर मेरा मन कहाँ से आया। स्लोगन, किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन क्या है? कोई भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन ड्रामा पर अटल निश्चय। अमृत वेले के लिए पॉइंट है, अपने चार्ट रूपी दर्पण में जैसे अमृत वेले उठकर शरीर का श्रृंगार करते हैं ना, वैसे पहले बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से आत्मा का श्रृंगार करो। जो श्रृंगार किए हुए होंगे वह संघारी मूर्त भी होंगे। सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्मा ही होना, श्रेष्ठ आत्माओं का श्रृंगार भी श्रेष्ठ होता है। आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए रहते हैं। शक्तियों व देवियों के चित्र में श्रृंगार मूर्त संघारी मूर्त दोनों हैं। तो रोज अमृत वेले साक्षी बन अपनी आत्मा का श्रृंगार करो। करने वाले भी आप हो, करना भी अपने आप को ही है, फिर कोई भी प्रकार की परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे, अडोल रहेंगे। अमृत वेले से लेकर भिन्न भिन्न ड्रेस श्रृंगार के सेट से सज धज कर सारा दिन बाप के साथ रहना, अमृत वेले से ही फर्स्ट नंबर की ड्रेस पहनना, ऐसी सजी हुई सजनियों को ही साथ ले जाएंगे, औरों को नहीं। जो कंपटीशन में फर्स्ट नंबर में आएंगे वही साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और रहेंगे, जो नहीं रहेंगे वो चलेंगे भी नहीं। तो सदा यह स्लोगन याद रखो, अर्थात ये तिलक लगाना, साथ रहेंगे साथ चलेंगे। ओम शांति।